उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के एक आह्वान पर जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना मरीजों की सहायता के लिए आगे आकर कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में जननायक जनता पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर खैरा ने सोमवार को पेहवा में 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए पेहवा के SDM सोनू राम को सम्मान सौंपा। जनमंच की आज़ादी न्यूज़ के लिए पेहवा से संजय वर्मा की रिपोर्ट। मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से फैली हुई है, और आज हम सबका ये एक फर्ज बनता है, एक दायित्व बनता है कि हम सभी इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपना जो योगदान दें। आज उसी योगदान में हम सारी जो हमारी जननायक जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, और आज पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी के जो हमारी पूरी टीमें बनाई हुई हैं, वो टीमें निरंतर लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा कर रही है। आज उसी कड़ी में हम यहाँ पर 100 बेड का जो एक कोविड सेंटर बनाने के लिए, कोविड आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए, सेंटर बनाने के लिए आज 100 बेड यहाँ पर दिए हैं, और यहाँ पर एक कोविड वार्ड बनाया जाए, क्योंकि जो लोगों की समस्या आ रही, जिसे छोटा सा भी कोई सिम्टम है वो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ रहकर वो ठीक हो सकता है, ऐसा एक वार्ड बनाकर उन लोगों को सहूलत देने का काम करेंगे और लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। और दूसरा, मैं सभी अपने युवा साथियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि प्रत्येक गाँव में एक ऐसा कोविड वार्ड बनाएं कि जिसमें जो गरीब आदमी घर में नहीं रह सकता, जिसके एक दो कमरे हैं लेकिन वो वहाँ पर नहीं रह सकता, उसके लिए एक ऐसी हम सुविधा खड़ी करें कि उसे कोई भी दिक्कतदारी ना आए, उसके खाने की, रहने की, पानी की, हर तरीके की व्यवस्था हमारे गांव के जितने भी युवा साथी वो अपनी अपनी टीमें बनाकर गांव में एक अच्छे स्तर पर उन लोगों की सहायता करने का काम करें। और ये जो आज सहयोग है ये हम सभी ने मिलकर किया है, इसके लिए हम निरंतर हमेशा लोगों के बीच में जाकर प्रयासरत रहेंगे और लोगों की सेवा निरंतर करते रहेंगे।